ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक आत्म अभिमानी स्थिति और शुभ भावनाएं, पार्ट 5। टॉपिक, मनन शक्ति द्वारा सर्व शक्तियों के स्वरूप की अनुभूति। अव्यक्तवाणी 7 अप्रैल 81। ज्ञान बिंदु। बाप दादा भी फकुर से कहते हैं, वह संगम युगी बच्चे, वह इतने तकदीरवान जो अब लास्ट जन्म तक भी आपके तकदीर की तस्वीर मस्तक में महिमा द्वारा, मुख में गीतों द्वारा और हाथों से चित्रों द्वारा, नैनों में स्नेह द्वारा तकदीर की तस्वीर खींचते रहते हैं। अब तक भी आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ घड़ी को याद कर रहे हैं कि फिर से कब आएंगे। आह्वान की धूम मचाए हुए हैं। ऐसे तुम तकदीरवान हो जो स्वयं बाप भी आपके तकदीर के गुण गाते हैं। अंतिम भक्त तो आपके चरणों को भी पूजते रहते हैं। सिर्फ आपसे क्या मांगते हैं कि अपने चरणों में ले लो। इतनी महान आत्माएं हो, सदा अपना ऐसा श्रेष्ठ स्वरूप, श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर स्मृति में रखो। समर्थ स्मृति द्वारा, संपन्न चित्र द्वारा चरित्र भी सदा श्रेष्ठ ही होंगे। जैसी स्मृति वैसी स्थिति, तो सदा समर्थ स्मृति रखो तो स्थिति स्वतः ही समर्थ हो जाएगी। धारणा, सदा अपना संपूर्ण चित्र सामने रखो तो स्थिति स्वतः ही समर्थ हो जाएगी। सदा अपना संपूर्ण चित्र सामने रखो जिसमें सर्वगुण सर्वशक्तियाँ सब समाई हुई हैं। ऐसा चित्र रखने से चरित्र श्रेष्ठ होगा। मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। मेहनत तब करनी पड़ती है जब मनन शक्ति की कमी होती है। सारा दिन यही मनन करते रहो। जैसे शरीर की शक्ति के लिए सबसे ज्यादा पाचन शक्ति आवश्यक है, वैसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति इतनी ही आवश्यक है। मनन शक्ति से बाप द्वारा सुना हुआ ज्ञान का अनुभव बन जाता है। जैसे पाचन शक्ति द्वारा भोजन शरीर की शक्ति खून के रूप में समा जाता है, भोजन की शक्ति अपने शरीर की शक्ति बन जाती है, अलग नहीं रहती। ऐसे ज्ञान की हर पॉइंट मनन शक्ति द्वारा स्व की शक्ति बन जाती है। विधि, जैसे आत्मा की पहली पॉइंट सुनने के बाद मनन शक्ति द्वारा स्मृति स्वरूप बन जाने कारण स्मृति समर्थ बना देती है। मैं हूँ ही मालिक, यह अनुभव समर्थ स्वरूप बना देता है। लेकिन कैसे बना? मनन शक्ति के आधार पर। तो आत्मा की पहली पॉइंट अनुभव स्वरूप हो गई ना। इसी प्रकार ड्रामा की हर पॉइंट सिर्फ ड्रामा है, यह कहने व सुनने मात्र नहीं, लेकिन चलते फिरते अपने को हीरो एक्टर अनुभव करते हो तो मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना यही विशेष आत्मिक शक्ति है। सबसे बड़े ते बड़ी शक्ति अनुभव स्वरूप है। रिजल्ट, मनन वाला स्वतः ही मगन रहता है। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता,
लेकिन निरंतर लगा हुआ ही अनुभव करता। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। टॉपिक, रूही गुलाब की विशेषता। अव्यक्त वाणी, 13 अप्रैल 81। ज्ञान बिंदु, किस आधार पर रूहानी खुशबू सदा काल एकरस और दूर दूर तक फैलती है, अर्थात प्रभाव डालती है। इसका मूल आधार है रूहानी वृत्ति। सदा वृत्ति में रूह रूह को देख रहे हैं, रूह से ही बोल रहे हैं, रूह ही अलग अलग अपना पार्ट बजा रहे हैं। मैं रूह हूँ, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ। मैं रूह हूँ, हर संकल्प भी सुप्रीम रूह की श्रीमत के बिना नहीं चल सकता है। मुझ रूह का करावनहार सुप्रीम रूह है। मैं करनहार, वह करावनहार है। वह चला रहा है, मैं चल रहा हूँ। हर डायरेक्शन पर मुझ रूह की जी हुसूर है। सदा रूह और सुप्रीम रूह कंबाइंड हूँ। सुप्रीम रूह मुझ रूह के बिना नहीं रह सकते और मैं सुप्रीम रूह के बिना अलग नहीं हो सकता। ऐसे हर सेकंड हुजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एकरस रहते हैं। यह है नंबर 1 खुशबूदार रूही गुलाब की विशेषता। धारणा, ऐसे दृष्टि में भी सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ होगा। वह बाप की दृष्टि में, बाप उनकी दृष्टि में समाया हुआ होगा। ऐसे रूहे गुलाब को देह व देह की दुनिया व पुरानी देह की दुनिया की वस्तु व्यक्ति देखते हुए भी नहीं दिखाई देंगे। देह द्वारा बोल रहा हूँ, लेकिन देखता रूह को है, बोलता रूह से है। उनके लिए सदा रूहानी सेवा है। विधि, ऐसे रूहे गुलाब की सदा रूहानी भावना रहती कि सर्व रूहे हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाएं। परवश आत्माओं को बाप द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों का सहयोग दे, उन्हों को भी अनुभव करावे। किसी की भी कमी और कमजोरी को नहीं देखेंगे। अपने धारण किए हुए गुणों व शक्तियों का सहयोग देने वाला दाता बनेंगे। ब्राह्मण परिवार के लिए सहयोगी, अन्य आत्माओं के लिए महादानी। यह ऐसा है, यह भावना नहीं, लेकिन इसको भी बाप समान बनाऊं, यह शुभ भावना। साथ साथ यही श्रेष्ठ कामना, यह सर्व आत्माएं कंगाल दुखी अशांत से सदा शांत सुख रूप मालामाल बन जाए। सदा स्मृति में एक ही धुन होगी कि विश्व परिवर्तन जल्दी से जल्दी कैसे हो। इसको कहा जाता है रूहे गुलाब। रिजल्ट, जैसे बाप कर्तव्य के कारण अवतरित होते हैं, वैसे ही हर सेवाधारी सेवा के प्रति अवतरित होने वाले सब अवतार बन जाएं। एक अवतार ड्रामा अनुसार सृष्टि पर आता तो कितना परिवर्तन कर लेता, वह भी आत्मिक शक्ति वाले, और यह इतने परमात्म शक्ति स्वरूप चारों ओर अवतार अवतरित हो जाएं, तो क्या हो जाएगा? सहज परिवर्तन हो जाएगा। इतने सब अवतार प्रकट हो जाएं
तो सृष्टि पर हलचल मच जाएगी ना। अपने आदि अनादि स्वरूप की स्मृति में रहो, अंत की स्मृति में नहीं रहो। अनादि आदि फिर क्या हो जाएगा, स्वयं भी निर्बंधन और जिन्हों की सेवा के निमित्त बने हो वह भी निर्बंधन हो जाएंगे। टॉपिक बिंदु का महत्व। अव्यक्त वाणी 11 नवंबर 81। ज्ञान बिंदु। बाप दादा सिर्फ बिंदी का ही हिसाब बताते हैं। स्वयं भी बिंदु रूप बनो, याद भी बिंदु को करो और ड्रामा के दृश्य को जानने करने के बाद बिंदु की मात्रा लगा दो। एक बिंदु की मात्रा में आप, बाप और रचना सब आ जाता है। तो जानना ही क्या है, बिंदु करना भी बिंदु को याद। इसी बिंदु की मात्रा के महत्व को जान सदा सहजयोगी बन सकते हो। कितना भी बड़ा विस्तार है लेकिन समाया बिंदु में है। बीज बिंदु, उसी में सारा वृक्ष समाया हुआ है। आत्मा बिंदु, उसी में 84 जन्मों के संस्कार समाए हुए हैं। 5000 वर्ष के ड्रामा को अब संगम के अंत में समाप्त कर रहे हो। अब ड्रामा का चक्र पूरा हुआ, अर्थात जो चक्र बीत चुका उसको फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लगाए। बिंदी बन, अब घर जाना है। बिंदु के साथ बिंदु बनकर जाना है। घर भी सर्व बिंदुओं का घर है। संकल्प कर्म संस्कार सब मर्ज अर्थात बिंदी लगी हुई है। समाप्ति की मात्रा है ही बिंदु। सर्वगुण सर्व ज्ञान के खजानों के सागर, लेकिन सागर भी है बिंदु। धारणा संबंध संपर्क में भी आओ तो सर्व के मस्तक में क्या चमक रहा है, बिंदु। सर्व कार्यकर्ता कौन है, बिंदु ही है ना। चाहे धरनी से चंद्रमा तक पहुँचे तो भी बिंदु पहुँचा। चाहे आप साइलेंस की शक्ति से 3 लोगों तक पहुँचते तो भी कौन पहुँचता, बिंदु। आदि से अंत तक वैरायटी पार्ट बजाया, लेकिन पार्टधारी कौन, किसने पार्ट बजाया, बिंदु ने। तो सारा महत्व बिंदु का है। बिंदु रूप में स्थित हो, जो संकल्प करो, जो भावना रखो, जो बोल बोलो, जो कर्म करो, जैसे बिंदु महान है वैसे सर्व बातें महान हो जाती हैं, अर्थात स्वतः श्रेष्ठ हो जाती हैं। विधि। आत्मिक एनर्जी भी बिंदु है, जो स्थापना की एनर्जी है, और विनाशकारी भी एटॉमिक एनर्जी बिंदु है। सृष्टि चक्र के आदि में भी बिंदु बन उतरते हो और अंत में भी बिंदु बन जाते हो। तो आदि और अंत का स्वरूप भी बिंदु हुआ। स्कूल में भी छोटे बच्चे बिंदु की मात्रा सहज लगा सकते हैं। कहाँ भी पेंसिल को रख दें तो बिंदु हो जाएगी। भक्ति में तो लंबा चौड़ा आकार याद करते, बुद्धि में भावना द्वारा चित्र बनाते, तब भक्ति सिद्ध होती। यहाँ तो नॉलेज द्वारा सिर्फ क्या सामने रखते, बिंदु। रिजल्ट। बिंदु बन, विस्तार में जाओ तो सार मिलेगा। बिंदु को भूल विस्तार में जाते हो
तो जंगल में चले जाते हो जहाँ कोई सार नहीं। बिंदु रूप में स्थित रहने वाले सार युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करेंगे। उनकी स्मृति, बोल और कर्म सदा समर्थ होंगे। बिना बिंदु बनने के विस्तार में जाने वाले सदा क्यों क्या के व्यर्थ बोल और कर्म में समय और शक्तियां भी व्यर्थ गवाएंगे, क्योंकि जंगल से निकलना पड़ता है। बिंदु बनो और ऑर्डर करो तो सब तैयार हैं। संकल्प की ताली बजाओ और सब तैयार हो जाएगा। लेकिन बिंदु की ताली प्रकृति भी सुनेगी, सर्व कर्मेंद्रियां भी सुनेंगी और सर्व साथी भी सुनेंगे। टॉपिक: बीज रूप स्थिति तथा अलौकिक अनुभूतियां। अव्यक्त वाणी 27 मार्च 82। ज्ञान बिंदु। बाप दादा का आना होता ही है साथ ले जाने के लिए। साथ जाने के लिए बिंदु बनना पड़े और बिंदु बनने के लिए सर्व प्रकार के बिखरे हुए विस्तार अर्थात अनेक शाखाओं के वृक्ष को बीज में समाकर बीज रूप स्थिति अर्थात बिंदु में सबको समाना पड़े। लौकिक रीति में भी जब बड़े विस्तार का हिसाब करते हो तो सारे हिसाब को समाप्त कर लास्ट में कहा जाता है कहो शिव अर्थात बिंदी। ऐसे सृष्टि चक्र व कल्प वृक्ष के अंदर आदि से अंत तक कितने हिसाब किताब के विस्तार में आए। देह के हिसाब की शाखाएं, देह के संबंधों की शाखाएं, देह के भिन्न भिन्न पदार्थों में बंधनी आत्मा बनने की शाखा, भक्ति मार्ग और गुरुओं के बंधनों के विस्तार की शाखाएं, कर्म भोग की शाखाएं, इन सारे विस्तार को बीज में समा दिया है व अभी भी विस्तार है। संगम युग है ही पुराने वृक्ष की समाप्ति का युग। धारणा: जैसे पत्ते को पानी नहीं दे सकते, बीज को देना अर्थात सभी पत्तों को पानी मिलना, ऐसे इन 84 जन्मों के भिन्न भिन्न प्रकार के हिसाब किताब समाप्त कर वृक्ष समाप्त करना है। लेकिन बीज बाप से लगन लगाकर लगन की अग्नि द्वारा सहज समाप्ति हो जाएगी। आग में पड़ा हुआ बीज कभी फल नहीं देता, तो इस हिसाब किताब के विस्तार रूपी वृक्ष को लगन की अग्नि में समाप्त करो तो बाकी रह जाएगा बिंदु आत्मा व बीज आत्मा। रिजल्ट: यह शरीर जो हिसाब किताब के वृक्ष का मूल तना है, जिससे यह शाखाएं प्रकट होती हैं, यह देह और आत्मा रूपी बीज दोनों ही बिल्कुल अलग है। ऐसे आत्मा न्यारेपन का चलते फिरते बार बार अनुभव करेंगे। नॉलेज के हिसाब से नहीं कि आत्मा और शरीर अलग है, लेकिन शरीर से अलग मैं आत्मा हूँ। जब चाहे इस देहभान रूपी वस्त्र को धारण करें, जब चाहे इस वस्त्र से न्यारे अर्थात देहभान से न्यारी स्थिति में स्थित हो जाए। वस्त्र को मैं धारण करता हूँ, यह वस्त्र मुझे धारण करता है। चैतन्य कौन, मालिक कौन? अलग होना नहीं है, लेकिन मैं
हूँ ही अलग। दूसरी अनुभूति, जैसे भक्तों को व आत्मज्ञानियों को व कोई परमात्म ज्ञानियों को दिव्य दृष्टि द्वारा ज्योति बिंदु का साक्षात्कार होता है, तो साक्षात्कार अल्पकाल की चीज है, लेकिन एवर रेडी आत्मा साथ चलने के लिए समान बनी हुई आत्मा साक्षात्कार द्वारा आत्मा को नहीं देखेगी, लेकिन बुद्धि योग द्वारा सदा स्वयं को साक्षात ज्योति बिंदु आत्मा अनुभव करेगी। जहाँ साक्षात स्वरूप होगा वहाँ साक्षात्कार की आवश्यकता नहीं। ऐसे साक्षात आत्मा स्वरूप की अनुभूति करने वाले अथॉरिटी से निश्चय से कहेंगे कि मैंने आत्मा को देखा तो क्या, लेकिन अनुभव किया है। तीसरा अनुभव, ऐसी समान आत्मा साकारी दुनिया और साकारी शरीर में होते हुए भी बुद्धि योग की शक्ति द्वारा सदा ऐसा अनुभव करेगी कि मैं आत्मा चाहे सूक्ष्म वतन में चाहे मूल वतन में वहाँ ही बाप के साथ रहते हूँ। दफ्तर का काम पूरा किया तो घर जाएंगे व दफ्तर में ही बैठे रहेंगे। ऐसे एवर रेडी आत्मा बार बार अपने को अपने घर की निवासी अनुभव करेगी, जैसे कि घर के सामने खड़ी है, अभी अभी यहाँ अभी अभी वहाँ। साकारी वतन के कमरे से निकल मूल वतन के कमरे में चले गए। और अनुभूति, जैसे विज्ञान की शक्ति द्वारा स्पेस में चले जाते हैं तो धरनी का आकर्षण नीचे रह जाता है और वह स्वयं को सबसे ऊपर अनुभव करते और सदा हल्का अनुभव करते हैं। ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वयं को विकारों की आकर्षण व प्रकृति की आकर्षण सबसे परे उड़ती हुई स्टेज अर्थात सदा डबल लाइट रूप अनुभव करेंगे। उड़ने की अनुभूति सर्व आकर्षणों से परे ऊंची है, बंधन मुक्त है। इस स्थिति की अनुभूति होना अर्थात ऊंची उड़ती कला व उड़ती हुई स्थिति का अनुभव होना। चलते फिरते जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, बाप भी बिंदु मैं भी बिंदु दोनों साथ साथ जा रहे हैं। समान आत्मा को यह अनुभव ऐसा स्पष्ट होगा जैसे कि देख रहे हैं। अनुभूति के नेत्र द्वारा देखना दिव्य दृष्टि द्वारा देखने से भी स्पष्ट है। सेवा में भी यह स्मृति रहे कि बाप के साथ जाना है तो सेवा में सदा अचल स्थिति रह सकती है। सेवा के विस्तार में सार रूपी बीज की अनुभूति को भूलो मत। विस्तार में आते स्वयं भी सार स्वरूप में स्थित रहे औरों को भी सार स्वरूप की अनुभूति कराओ। टॉपिक, सर्वप्रथम त्याग है देह भान का त्याग। अव्यक्तवाणी 3 अप्रैल 82। ज्ञान बिंदु, कहने में तो सभी एक बात कहते कि तन मन धन संबंध सबका त्याग कर लिया, लेकिन तन का त्याग अर्थात देह के भान का त्याग। त्याग का अर्थ है किसी भी चीज को व बात को छोड़ दिया, अपनेपन से किनारा कर लिया, अपना अधिकार समाप्त हुआ। जिसके प्रति त्याग किया वह वस्तु उसकी हो गई, जिस बात का त्याग किया
उसका फिर संकल्प भी नहीं कर सकते। जैसे हद के सन्यासी अपने घर का संबंध का त्याग करके जाते हैं, अगर वापस आ जाए तो उसको क्या कहा जाएगा, ऐसे आप ब्राह्मण बेहद के सन्यासी व त्यागी हो। आप मूर्तियों ने अपने इस पुराने घर अर्थात पुराने शरीर पुराने देह का भान त्याग किया, संकल्प किया कि बुद्धि द्वारा फिर से कब इस पुराने घर में आकर्षित नहीं होंगे। जैसे तन मन धन कहते हो, देह और देह के संबंध कहते हो, इस पुराने देह के भान से विस्मृति अर्थात किनारा धारणा। जैसे घर में घर की सामग्री होती है, ऐसे इस देह रूपी घर में भिन्न भिन्न कर्मेंद्रियां ही सामग्री हैं। तो घर का त्याग अर्थात सर्व का त्याग, ऐसे अलबेले नहीं बनना कि और तो सब छोड़ दिया, बाकी कोई एक कर्मेंद्रिय विचलित होती है, वह भी समय पर ठीक हो जाएगी। लेकिन कोई एक कर्मेंद्रिय की आकर्षण भी एक बाप का बनने नहीं देगी, नंबर वन में जाने नहीं देगी, संपूर्ण त्याग चाहिए। विधि, यह मेरी देह नहीं लेकिन सेवा अर्थ अमानत समझो। सेवा अर्थ कार्य में लगाना है, मेरेपन का त्याग और मेहमान समझ महान कार्य में लगाओ। मेहमान को क्या याद रहता है, असली घर याद रहता है या उसी में ही फंस जाते हो? तो आप सबका यह शरीर रूपी घर भी यह फरिश्ता स्वरूप है, फिर देवता स्वरूप है, उसको याद करो। इस पुराने शरीर में ऐसे ही निवास करो जैसे बाप दादा पुराने शरीर का आधार लेते हैं लेकिन शरीर में फंस जाते हैं। कर्म के लिए आधार लिया और फिर अपने फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो जाओ, अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। न्यारेपन की ऊपर की ऊंची स्थिति से नीचे साकार कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करने लिए आओ। इसको कहा जाता है मेहमान अर्थात महान। रिजल्ट, ब्रह्मा का प्रवेशता का पार्ट अलग है लेकिन आप सब ने भी तन तेरा कहा ना कि तन मेरा। अगर पुराने के बदले नया मिल जाए तो मुश्किल है क्या? अभी अभी मिलता है, अभी अभी पुराना भान छोड़ फरिश्ता स्वरूप लो। जब पुरानी दुनिया के देह का भान छोड़ देते हो तो क्या बन जाते हो? डबल लाइट। कोई भी बात मुश्किल होती तो लंबा श्वास उठता है। मरने में जो मज़ा है लेकिन पूरा मरो तो, लेने में कहते हो पूरा लेंगे और छोड़ने में मिट्टी के बर्तन भी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए बाप दादा कहते हैं छोड़ो। अगर कोई भी पुरानी चीज़ रखते हो तो रिजल्ट क्या होती है? बार बार बुद्धि भी उन्हों की ही भटकती है, फरिश्ता नहीं बन सकते। जब रावण का सिर लग जाता है तो मुश्किल होता है, जब भुजाधारी शक्ति बन जाते हो तो सहज हो जाता है। सिर्फ एक कदम सहयोग देना और पदम कदमों का सहयोग मिलना हो जाता। ओम शांति।